हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा। आज का हमारा आर्टिकल होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक नया आर्टिकल, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने कैलकुलस 1 की कंप्लीट आउटलाइन करवाई है, कैलकुलस 2 की कंप्लीट आउटलाइन पे वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको वो चाहिए होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरनेट पर जाके मैं सारा लेक्चर्स लिखे, मेरे सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी देर से कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस करवा दें, तो मैं आज इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बहुत सी टाइप्स हैं, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, और आगे इस सब्जेक्ट में इसकी टाइप्स पे अलग अलग बुक्स हैं। तो MSc के अंदर जब भी आप जाएंगे, आप MSc के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, आपको मिलता है ODE, PDE, इस तरह के आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। तो ODE क्या होता है, PDE क्या होता है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इनके तो मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या है, फिर ODE क्या है, और ODE की टाइप्स कितनी हैं, और हम आगे किन किन आर्टिकल्स को करेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर आप फंक्शंस को और उनके डेरिवेटिव्स को रिलेट करते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले मैं इधर लिख रही हूँ डेफिनेशन। अगर आपने ODE को समझना है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में क्या हम कहेंगे कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन, DE लिख रही हूँ, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखना है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है दैट रिलेट्स वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने कैलकुलस की, हमारे पास क्या होता था, लेट्स सपोज एक फंक्शन होता था, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता था, तो हम क्या करते थे, हम इसका डेरिवेटिव लेते थे डी वाई और डी एक्स। इसका मतलब था ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई में। सिमिलरली हम इसका एक और डेरिवेटिव ले सकते थे जिसको हम कहते थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हम एक और डेरिवेटिव ले सकते थे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, और इस तरह सो ऑन। हमारे पास क्या होता था, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम ले सकते थे किसी भी फंक्शन के। हम पढ़ रहे थे फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स को, किस तरह के कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट कैसे लेना है, सेकंड कैसे लेना है, थर्ड कैसे लेना है। लेकिन अगर हम स्टडी करें किस चीज़ को, ऐसे इक्वेशन बनाएं जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन y भी हो, जिसके अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो भी इन्वॉल्व हो, इनफैक्ट उनके डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हों, अप टू सोन कर लो nth डेरिवेटिव। जरूरी नहीं कि nth डेरिवेटिव तक हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, मैं सिर्फ एक नोटेशन दे रही हूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फंक्शन भी हों साथ में उनके डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हों, तो ऐसी इक्वेशन को, इस तरह के रिलेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर डेरिवेटिव भी हो, फंक्शन भी, तो आपको समझ आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में आएगा तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल दें इक्वेशन की, लेट्स सपोज मैं दे देती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इधर मैं क्यूब कर देती हूँ, यहाँ पे क्या था कि एक ऐसी इक्वेशन थी, इक्वेशन है मैथमेटिकली, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या था, वाई भी था एक्स भी था, एक्स यहाँ पे क्या है और वाई यहाँ पे क्या है, वाई है डिपेंडेंट और एक्स है इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग हम चेंज ले रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी था, मैं कह सकती हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल भी था, और साथ ही साथ इनका डेरिवेटिव भी था। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं,
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल थे, आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले लें। लेकिन अभी मेरा जो टॉपिक है वो है ODE। तो मैं आपको ODE समझाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको DE समझा रही हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टाइप्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की 6 टाइप्स हैं, 6। अब आपने इन 6 टाइप्स को देखना है। सबसे पहली टाइप क्या है? ODE, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मेरे पास आती है PDE, जिसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मेरे पास आती है LDE, जिसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास आ जाती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ टाइप्स हैं, और इन टाइप्स के ऊपर अलग से आर्टिकल्स हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है जिस पे मुझे रिक्वेस्ट आ रही है वो है ODE, कि ODE को बता दें, समझा दें, उसकी एप्लीकेशंस करवा दें। तो मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ ODE, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके आगे 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स में से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो अलग से एक सब्जेक्ट है, तो मैं अब आपको ODE बताऊंगी कि ODE क्या होता है, फिर ODE लीनियर ODE क्या होता है, फिर उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, उसकी एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या होती है, उसका होमोजीनियस क्या होता है। तो ये पूरा एक वाइड सब्जेक्ट है जिसको मैं गो थ्रू करूंगी अपने आर्टिकल्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे ODE। तो ODE का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप समझें। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? एन इक्वेशन इन विच देयर अपीयर्स ओनली वन इंडिपेंडेंट, ये अब आपने गौर से देखना है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव भी होंगे, फंक्शंस भी होंगे, लेकिन उन फंक्शंस की क्या सिचुएशन होगी? उन फंक्शंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ये कंडीशन है। तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रही। प्रॉपर डेफिनेशन जब मैं ये आर्टिकल स्टार्ट करवाऊंगी तब लिखूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको ODE समझा रही हूँ। तो ODE आप समझें कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ज़ाहिर बात है फंक्शंस होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे, क्योंकि वो DE तो है ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, उसमें फंक्शंस भी आएंगे, डेरिवेटिव्स भी आएंगे। लेकिन ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा? कि उसके अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो इसी चीज़ को मैं समझाती हूँ, जब समझ आ जाएगी तो आपको बड़ी आसान लगेगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने कहा सिर्फ एक होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कंडीशन है ODE की। अगर हम ODE की कोई एग्जांपल लें तो ये कंडीशन आपको समझ में आएंगी। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, dy ओवर dt प्लस टी क्यू वाई इज इक्वल टू कॉस टी। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ODE की एग्जांपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, ये तो आपको पता है, क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शंस भी हैं, इसमें डेरिवेटिव भी है, और एक इक्वेशन बन रही है, तो DE है। लेकिन ये ODE है कि नहीं? तो मैंने आपको बताया दो कंडीशंस हैं, आप देखेंगे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन क्या आती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? कि जिसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमें पता है यहाँ पे y कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया जा रहा है, इसका मतलब t क्या है? इंडिपेंडेंट।
और इस इक्वेशन में टी के अलावा कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ इसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट का मतलब एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट कितने हैं, वाई वाई, इसका मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट भी एक ही है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एग्जाम्पल थी किसकी, ODE की। अगर मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, dy ओवर dx प्लस dt ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये भी DE तो है, ये तो हमें पता है कि DE है, तो क्या ये ODE है या नहीं। इसको समझने के लिए हमें दोनों इसकी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या थी कि इंडिपेंडेंट एक होना चाहिए। अगर हम देखें y का विद रिस्पेक्ट टू x रेट ऑफ चेंज हो रहा है, t का विद रिस्पेक्ट टू x रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज लिया जा रहा है वो सिर्फ एक है, क्या x, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x के अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दूसरी कंडीशन क्या थी, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे y का हो रहा है तो y एक डिपेंडेंट है, t का हो रहा है t एक डिपेंडेंट है, इसका मतलब y और t दो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर सेकंड कंडीशन भी अप्लाई होगी और फर्स्ट इक्वेशन भी अप्लाई होगी। तो ये एक ODE की एग्जांपल है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और मैंने आपको आज के आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आगे उसकी टाइप्स कितनी हैं और हम किस टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूँ और नेक्स्ट मैं अपने आर्टिकल को लेके चलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।